हुरैन ने अभी तक मतलब जब से वो पैदा हुई है और अभी एक साल की हो गई है वो, तो तब तक उसने जितने भी पैसे कलेक्ट किए हैं तो वो मैं बताऊंगी, क्योंकि इसको भी हम खोलेंगे क्योंकि ये पूरी फुल हो चुकी है और इसमें देखते हैं कितने पैसे निकलते हैं, कितना उसने कलेक्ट कर पाया है अभी तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो जहाँ से मैंने वीडियो का एंड किया था वहीं से शुरू कर रही हूँ कि हुरैन ने बचपन से लेकर अभी तक मतलब एक साल हो चुकी है वो, तो अभी तक उसने कितने पैसे कलेक्ट किए हैं वो मैं आज बताऊंगी आप लोगों को। तो चलो पहले मैं काउंटिंग कर लेती हूँ कि ये कितने हैं। बहुत सारे पैसे हैं, ये देखो। चिल्लर नहीं डाले थे, नोटी नोट डाले थे। कितने हो सकते हैं, कोई आइडिया? 2000 पांच हजार तक ज्यादा होंगे, 5000 वो 6000 तक होंगे। 6000 तक होंगे। किस का सही लगता है? तो 5000 बताओ सब। 7000 से तुम बताओ। तुम खाना कितना हो सकता है? 5-6 के समथिंग बताओ। खाना कितना? नहीं नहीं नहीं, एक आइडिया तुम। 5-6 हजार। और मैं कहती हूँ कि समथिंग और 6000। 6000 देखते हैं किसका किसका नजदीक तक जाता है ना। मेरा तो सात हजार कहना चाहती हो तुम? 1000 कहना चाहती हो? मैं भी ये कह रहा हूँ, 7-8 हजार के बीच में। 7-8 हजार मतलब 6.5-7 बोल रहा है सब। सीधे सीधे कर दो। नहीं है 7 अरे पकड़े फाड़ देगी वो। तुम 10-10 के लेते जाओ, 10-10 का इकट्ठा करो। चलो जानती 10 रुपीज कौन सा है? सही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3500 रुपए।5700 ठीक। 6900 हो गए ठीक है। 7000 तो अभी हो गए। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साढ़े बारह
बाईस तेईस चौबीस पच्चीस नोट है, 2500 ही है। 2500 कैसे? 50 पच्चीस नोट, 1250 कितने हो गए गिनो, काउंट करो। तीन, हाँ तीन और एक चार, ठीक। लो जैसे पैसे खोले वैसे चेंज के लिए आ रहे हैं। पांच, हाँ तुम जाओ। हम संगम वाला का नंबर है, कितने चाहिए? ले ले देखो ये झूल रहे हैं आराम से। ये देखो इनकी चल रही है टॉफी चॉकलेट है, और इनका मुंह देखो इनने कितनी टॉफी खाई है। पूरे घर में गिफ्ट ही गिफ्ट हो गए। पन्नी ही पन्नी हो गई पूरे घर में। गिफ्ट की खजाना और बॉटलों की देवाली इसके अंदर हमने पूरा रख दी। उसको चलाना है। हाँ चलाना है उसको, निकालो। हाँ निकालो। ये उसके पप्पा पप्पी ने दिए और इनकी। और देखो इस पे बैठो, इस पे, इस पे बैठो। वो तो वैसी है। हाँ तो ये असेंबल हो चुकी है उरेन की। घोड़ा गाड़ी नॉट गाड़ी नॉट चेयर चेयर बड़ी मम्मा थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया है मुझे और मैं यहाँ पे बैठ भी चुकी हूँ। ये देखो औरे देखो औरे, डर तो लग रहा है उसको, पीछे साइड जा रही है ना वो, तो उसको डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। उसको ऐसा लग रहा है मैं गिर ना पड़ूं। देखना उसका रिएक्शन, रिएक्शन तो देखो जरा उसका चेहरा। देख देख उसको डर लग रहा है। मत करो, अपने आप करेगी, अपने आप हिलेगी ना अपने आप। बैठ 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 जाओ। वहां से आ गई यहाँ तक बिल्कुल भैया भैया बिल्कुल। चलो 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 चलो। अरे भैया यहाँ तो बैग वैग सब निकल निकलू के रख गए हैं। माँ से चल के आई अकेली, अकेली चल के आई है माँ से, कमरे में से यहाँ तक चल के आई अकेली।
तो गाइस यहाँ पर हमारी खाला जा रही हैं। लेते चलो लेते चलो। हाँ चिल्ला रही हूँ इतना। सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सलाम तो कर लो। सब जा रहे हैं, सलाम करो। चलो फुरैन सलाम करो। अरे भाई मामू मामू प्यार कर रहे हैं। चलो सर्दी लग रही है, सर्दी उसको सर्दी लग रही है। ला मुझे तो गर्मी घूमने जा। लो लो पानी पी लो, पानी पानी पी लो। पिलाओ और पिलाओ भैया को, पिलाओ पिलाओ चीकू को, पिलाओ हाँ मामा पिला। नो नो इधर इधर माउथ में नो नो। सो गाइस आज जो है सब लोग चले गए हैं अपने अपने घर पे, तो बड़ा ही ज़्यादा घर जो है सुना सुना सा हो गया, बहुत बेकार लग रहा है घर में। और मम्मी पापा भी जो है शादी में चले गए हैं ग्वालियर, तो खाला और मम्मी और पापा ये सब लोग चले गए हैं, तो खाला को उनके घर छोड़ देंगे और फिर शादी अटेंड कर लेंगे। तो अभी वो लोग भी नहीं है, तो घर इतना ज़्यादा सुना सुना सा लग रहा है ना, बहुत ही बेकार लग रहा है। बच्चों से ही घर में जो है ना रौनक रहती है, तो बस ऐसे ही निकालेंगे टाइम। और आज हमारे यहाँ पे जो है बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कल जो है ग्वालियर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और आज डबरा में बारिश हो रही है, क्योंकि नानी वगैरह भी गए हैं तो पता चला हम लोग को। और मतलब ऐसा ही है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र रहा कि कल का जो प्रोग्राम था हमारा वो बहुत अच्छे से निपट गया है ना। और बस देखते हैं कैसे अपना टाइम निकालते हैं।